नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अदरक को आप आसान तरीके से कैसे पील कर सकते हैं उसी का वीडियो शेयर करूँगी। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अदरक को जब हम छीलते हैं तो पील करते टाइम इसके काफ़ी सारे अदरक हमारा वेस्ट हो जाते हैं। आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इससे बिल्कुल भी अदरक आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए गरम पानी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है गरम। इसमें हम जो भी अदरक आपको जितना छीलना है उसे इसमें डिप कर दीजिए, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो गर्म पानी में अदरक को हम भिगो के रखेंगे 15 से 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हमें अदरक को भिगो के रखे हुए। अब हम ले लेंगे एक टूथब्रश, ये जो पीछे से टंग क्लीनर होते हैं ना, इसी से ही आज हम अदरक को पील करेंगे। तो देखते हैं कैसे। देखिए, ये पीछे की साइड से इस तरीके से हम रब करते रहेंगे, और आप देख सकते हैं आसानी से ये स्किन निकल रहा है, और इतना बारीक निकल रहा है ना, थोड़ा सा भी अदरक इसमें नहीं लग रहा है। बस अदरक को पील करने से पहले 20-25 मिनट आप इस तरीके से हल्का गुनगुने पानी में भिगो के रख दीजिएगा। देखिए, और आपको देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही पतला बस अदरक के ऊपर का स्किन ही निकल रहा है। ये जो अंदर की तरफ है इसे हम तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें तो टुकड़ा करने के बाद ही हम इसे पीस के रखेंगे। तो इस तरीके से हम अंदर भी क्लीन कर लेंगे। अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये क्लीन हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस हमें इस तरीके से इसे रब करते रहना है। देखिए, जो अंदर की ओर है उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए, ये जो थोड़ा बहुत रह गया है इसे भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितना आसान है अदरक को पील करना। तो इसी तरीके से बाकी भी हम कर लेंगे। जब कभी आप फ्री हो, बैठे हो, पहले अदरक को इस तरीके से भिगो दीजिएगा, और बैठ के जब आप टीवी देख रहे हो तो आप इस तरीके से काफ़ी सारे अदरक थोड़े से ही टाइम में पील कर सकते हैं, वो भी बिना वेस्टेज के। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सभी अदरक को हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अदरक को पील करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये तरीका आपको अदरक छीलने का कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।